हुआ। फिर आबू खुश आमदेद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में अब जिस ड्रामे का तस्करा करने लगे हैं उसका नाम है जाने जहां। लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ थी, एक इंसिडेंट हुआ जो कि मैं आप लोगों से भी राय पूछना चाहूँगा। कि प्रीमियर हो रहा था इश्क मुर्शद का, तो उसमें खातून दुर्रेफिशां के साथ सेल्फी लेने के लिए आई एंड सम हाउ सेल्फी के दौरान किस्ड हर एंड वो बहुत ऑब्वियसली आपको कोई ऐसा कर ले तो ये कहाँ पे एक लाइन ड्रा होती है? मतलब इट्स नॉट अ बॉय, इट्स इवन अ वुमन, बट स्टिल इट्स लाइक योर प्राइवेसी कि आपके साथ कोई खड़ा हो के ऐसे आपको देखो इस अलाउ तो करने का टाइम ही नहीं था ना, शी जस्ट वेंट अहेड। और ये फैंस जो है ना, यू हैव नो आइडिया व्हाट देयर फीलिंग्स आर, ये किस कदर स्ट्रॉन्गली आपके लिए फील करते हैं और इनको आप जुनून की हद तक कितना पसंद करते हैं। और हमसे ज़्यादा इसका गवाह कौन होगा, बिकॉज हम जब किसी के लिए दो नंबर कम कर देते हैं तो फिर उनके फ़ैन हमारे साथ क्या क्या करते हैं। तो जायज़ तो वो भी नहीं है, इसमें भी फैंस का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, बट वी अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट आल्सो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मरीना जी इस पे? फैन द वर्ड इज़ फ्रॉम फनेटिक, सो दीज आर फनेटिक्स एंड व्हेन द वर्ड इज़ फनेटिक तो फिर कुछ भी हो सकता उसमें। और प्रॉब्लम ये होती है बहुत सारे फैंस शील लगा के प्रीमियर पे जाए ना कि यहां से नहीं, बहुत दफा हुआ है मैं आपको हग कर सकती हूँ, मैं आपको किस कर सकती हूँ, एब्सोल्युटली परमिशन ले लें, पूछ लें, कर ले, ठीक है, एक दफा हो जाए, डजंट मैटर, आई डोंट थिंक इट्स अ मीनिंग, दुनिया नहीं खत्म हो रही आपकी, अनलेस इट वाज कोविड, यू नो, और अनलेस इट्स समथिंग लाइक दैट। देखिए देखिए, यू आर बिकॉज ऑफ देम, आई मीन देयर इज, वो तो बात क्लियर है, यू आर बिकॉज ऑफ देम। फैंस की मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे ख्याल सभी करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि आप इनकी वजह से होते हैं, ये आपको लेकर आते हैं, आपको स्टार ही बनाते हैं, वरना आप जितने बड़े अपनी तरफ से स्टार बन जाए वो आप फिर आपको भी बनेंगे। तो वो मेरा ख्याल है कि इतना मार्जिन हमें फैन को देना चाहिए, उसने कुछ कहा नहीं, दुरे ने कुछ नहीं कहा, एट लीस्ट दे आर नॉट हिटिंग अस और लाइक कुछ मार नहीं रहे। हाउ डू यू नो दैट्स अ वेरी ब्रूटल एट टाइम्स, हाउ डू यू नो, कमेंट्स हमने लिए हैं दो दफा जब हमने किसी एक्टर को जरा सा उसके काम पे तनकीद की है, जिस किस्म के ब्रूटल कमेंट्स हमने लिए हैं वो भी बहुत खतरनाक, ये तो एक खतरनाक, आपको पता है, मतलब ये तो अच्छा था, ये तो अच्छा था उसके, तो बच्चों की तस्वीर, जॉन लेनन वाज शॉट बाय वन ऑफ हिज फैंस, सो दैट इज ऐश्वर्या अभी वो रैंप पे गई वहाँ पे किसी इंटरनेशनल जगह पे, तो उनके बहुत फिलर से जो भी थे तो वो बड़ा, तो उन्होंने कहा कि वो ऐश्वर्या अच्छी खूबसूरत खातून है, वो प्राइड है उनके मुल्क का, और अगर चंडीगढ़ में बैठा चिंटू उनके बारे में कुछ भी परेशान हो रहा है, जिसका पीछे का प्लस्टर भी उखड़ा हुआ है, जिसको टेंशन ये है कि मेरे घर में पानी नहीं आएगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन से उसके चेहरे पे निकाल रहा है, नॉट फॉर बिजनेस, लाइक ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है, कमेंट को घर में बैठा कर रहा है, और यकीन मानिए वही जब आपके सामने उससे पहले मैं तस्वीर खिंचवा रहा होगा जो वहाँ पे कमेंट्स लिख रहा है, वो जब आपका आपका सामना होगा प्लीज मैसेज कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू, एग्जैक्टली, ये तो मीडिया ने आपको एक एक्सेस दे दी कि आप किसी भी किस्म की फ्रस्ट्रेशन, आप आपकी रात को नींद पूरी नहीं हुई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्रैंकी, आप किसी पे भी जाके निकाल दें, आप सामने बैठे हो, आमने सामने किसी सिटिंग में बैठे हो, आप कभी भी ये नहीं करेंगे, तो ये एक वो वाली पावर है। So next time they just instead of saying fans we should say fanatics, बस you are fanatic, actually fanatic हो जाएंगे। तो हम बात करने लगे हैं जिस ड्रामे की, वो सादिया को तो बहुत ही पसंद है, शुरू करेंगे रुबीना जी से, मैं बात कर रहा हूँ जाने जहाँ की, finally जाने जहाँ कह दिया। The scene that I really liked was the dining table scene, loved it, जिसमें वो भाई को रोकता है कि हाँ भाई तुम बहुत दिन से ऑफिस नहीं जा रहे, very well written and well directed, very well taken to a certain point, कि अच्छा ठीक है तुम मत जाओ, अब्दुल संभालेगा और मैं सिखाऊंगा, very very हाँ, बहुत choreographed, well placed, well acted also by all the three characters, mainly the two that were main part of it. फिर बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं, जैसे कि थाने गई हैं गुलजेब और उन्होंने कहा कि केस खोलें और पता करें कि क्या हुआ है, थोड़ा सा मुझे वहाँ पे वहाँ भी मेरा मोमेंट मिस हुआ, बिकॉज़ गुलजेब गई हैं वहाँ और वो कह रही हैं कि
खोलें और वो कह रहा है कि लेके आए सबूत एंड शी सेइंग इससे ज़्यादा क्या सबूत लाऊं, ये मेरे मियाँ का बैग है और ये इस फलाने इंसान की गाड़ी में से मिला, यहाँ तक सब सही था, सीन की लिखाई में कोई इशू नहीं था। फिर वो मोमेंट आता है जहाँ वो पूछता है पुलिस वाला उनसे कि अगर वो आप कह रही हैं कि इस आदमी ने मारा तो क्या वजह थी, तो वहाँ एक मोमेंट था सिर्फ, अगर वो पकड़ा जाता एक्टर से और फिर वो कहती कि ये तो काम आप करेंगे, जो कहा उसने जो लिखा हुआ था कि ये काम तो आप करेंगे ना, कि आप पता करेंगे कि क्यों मारा है उसने, मगर वो जगह आती, फिर उसके बाद वो घर चली गई, वो वहीं था। ये एपिसोड जो था ये गुलजेब का एपिसोड था एक लिहाज से, क्योंकि बहुत सारी जगह थी उस बच्ची के पास टू परफॉर्म, शी फेल्ड एवरी टाइम एवरी टाइम। गाड़ी में वो ले गया उसको, घर आई, थोड़ा गड़बड़ाना, छुपा देना फाइल, व्हाटएवर, नॉर्मल नॉर्मल, कुछ गलत नहीं। उसने कहा चलते हैं ड्राइव के लिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी भी, और वो ड्राइव पे चले गए और वो जो भी बोल रहा है वो तो तबरेज़ और वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहा है, हाय हाय। और वो थी गुलजेब, जो इस वक्त एक बिल्कुल नई गुलजेब की शक्ल में बैठी हुई है उसके सामने, क्योंकि वो एक कंफ्यूजन तो थी उसके, वो सब चीज नजर तो आ रहा था, है ना, नहीं कहीं भी नहीं, इट वाज नोवेयर, नॉट द वे। अच्छे मूड में ड्रामे देखे हैं मैंने, मुझे सब चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, ये वो बात है, मेरे पास नादिया खान वाला जोन आया था मेरे पे, ये द थिंग इज दैट शी वाज गुड बट पे आए ताकि सब लोग खुश रहे। खैर हाँ, तो एनीवेज, तो इमोजी कौन सा आपके पास? देन नो नो नो, देन कम्स दिस मोमेंट, द बिग मोमेंट, जहां वो फाइनली स्कूल जाता है और उसको ढूंढ रहा है हमजा ने सही ढूंढा, हमजा ने देखा इधर उधर, उसको नजर नहीं आई वो पैनिक, मैंने तीन दफा देखा, बिकॉज पहली दफा में मुझे लगा हमजा ने कुछ सही नहीं देखा, बट देन आई वॉच्ड अगेन, आई सेड नहीं ठीक देखा। फिर वो मिल गई और उसने कह दिया कि मैं कैसे आपके बगैर रह सकता हूँ, बिकॉज ये वो वाली मोहब्बत नहीं है, वो तो ये वो रगों में दौड़, सो द राइटिंग इज देयर, हमजा वाज सो गुड, हमजा वाज थोड़ी सी मुझे इनसेंसिटिव यहाँ पे राइटिंग इस तरह से लगी, बट आई विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी गो टू द राइटिंग बिट ऑफ इट, याद करा देना। सो उसके बाद तैमूर के घर गया और पता नहीं क्या कहा, क्योंकि पता नहीं चला, और फिर वो सब वो अम्मी गईं और अम्मी ने जाके वो सारी सिचुएशन रिजॉल्व कर दी, और फिर तैमूर ने बुलाया उसको एक जगह काफ़ी बदतमीज़ी से, हालांकि इतनी बदतमीज़ी से बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, कि फ़ौरन आपसे मिलना है, तुमसे मिलना है और आ जाओ, हालांकि मेरे ख्याल तैमूर ने शायद उसको पहले आप ही कहा है, बट चलो एनीवेज ही वेंट देयर एंड सेड के घर में बहुत सारी बातें हुई, बट अब आपकी अमानत देने आए, तो हम जानना चाहते थे घर में क्या बातें हुई, क्या कहा इस आदमी ने आपको आके, जिस पे आपकी अम्मी गई हैं, हमसे क्यों छुपाई वो बातें। सो ये थोड़ा सा मेरा दुख है, और वो ही दुख है फिर उसके बाद अगला, जो जाने जहां आया और जाने जहां हिट नहीं किया। सो आई ऑफ कोर्स वी ऑल आर लविंग इट स्टिल, विल लव इट, बिकॉज रामी ने हमें दी है एंटरटेनमेंट, फुल ऑन दी है, बट सो मानता साहब वेरी गुड जॉब सादिया जी। और मैं इस ड्रामे की एक बात बताऊं जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, नॉर्मली ड्रामों को जब ये खींचने लगते हैं ना च्युइंगम की तरह, हाँ, तो वो बहुत ड्रैग हो जाता है। ये 39 एपिसोड में इसकी देख रहा था, उसमें भी इतना क्रिस्प रिपिंग की सिचुएशंस के आप देखना चाहते हो कि आगे क्या हुआ, अच्छा अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अदरवाइज तो ये 20 के बाद सब लोग बस फ्लैशबैक भी तो ज्यादा नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, तो इतना कुछ भी नहीं है, हाँ। बीच में ये थोड़ा सा ठहरा था जिसमें आप लोगों ने बड़ा शोर भी मचाया, ये क्या है ये, तो वो कहीं ड्रामे रुकते हैं, फिर उसके बाद वो एक जगह अपने आप को गैदर करते हैं और फिर थ्रो करते हैं, तो ये वाली जो एपिसोड थी ना, ये हर आर्टिस्ट के लिए था कि अब निकलो अपने अपने शेल से, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत उम्मीद थी डायरेक्टर से यहाँ कि यार गुलजेब से काम करवाते, ये एपिसोड गुलजेब का हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया, ये फिर तबरेज ले गया, तुम्हारी एक बात पकड़ी गई यार, वो कितने मजे से, भाई तुम्हारी एक बात पकड़ी गई, मुझे पता तुम मुकर जाओ इस बात से, मैं उस बच्ची को देख मैं यूं कहूँ यार ये क्या आर्टिस्ट है, कितनी सिंपल बात है, वो हंस कैसे रहा है, उसकी बातों में हंसी है, कहते वहां तो मुझे कुछ, तुम तो वैसे इतनी प्यारी लग रही हो, तुम देखो सादे से दुपट्टे में, जबकि यहाँ
डायरेक्शन की भी और उसमें दो चार जगह बहुत ज़्यादा आगे चल के बात करेंगे जब इस पर। सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक को देखें, जिस बिल्डिंग का आप लोगों ने इंतज़ार किया उस बिल्डिंग की कितनी अच्छी ओपनिंग दिखाई है। स्कूल तैयार हो गया, आप लोग कह रहे थे वो स्कूल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, देखिए कितना प्यारा बस वो मानूर गई है तो माफी चाहती हूँ। नहीं, माफी चाहती हूँ, दिस वाज अ मैजिक स्कूल। अच्छा इमोजी दिखा दें शादी जी। नहीं ड्रामा देखें, मेरे लिए तो आज भी मैं इसमें हूँ, इसमें रहूंगी। जितना खूबसूरत उसने एक्ट किया है ना, रगों में दौड़ते मैं कहती हूँ हमजा अली अब्बासी सादी इमाम की रगों में दौड़ चुके हैं। नहीं नहीं हमजा नहीं, मैं उस आर्टिस्ट उस करेक्टर से प्यार कर रही हूँ, शहराम है। जिस तरह उसने शहराम घोल के पी लिया है ना, उठना बैठना चलना शहराम दिख रहा है। तो हमजा यू आर सच अ गुड एक्टर। मैना जी, सो ओवरऑल एज यू नो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस, और इसमें द थिंग दैट रियली शॉन थ्रू वॉज शहराम कमिंग आउट ऑफ हिज पोलाइटनेस, और उसने अपनी आवाज़ ढूंढ ली। एंड इट स्टार्ट्स विथ हिम फैक्ट्री नहीं आओगे, अम्मा को लाइन पे लगा दिया, लड़की को बता दिया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर लाइक ओके, ही इज टोल्ड हिमसेल्फ इनफ इज इनफ। वो जितना कूल अंदाज अपनी मां को बताता है ना कि मैं तो रिश्ता करके आया हूं, मैं शादी कर रहा हूं, उससे पहले भी वो जब कहता है ना कि इलेक्ट, कहती है अगर तुम इलेक्ट, तुम्हें पता है जो तुम करने वाले हो उसमें भी तो अपने भाई की हार होगी, तो कहता है नहीं इलेक्शन सिर्फ वो बंदा करेगा जिसको इस जगह से मोहब्बत होगी, नॉट फॉर एनी अदर। कैसे था उसके अंदर ये चेंज आया कहां? आई थिंक स्लोली आया था, बहन के कहने से कि आप नहीं, एक तो उसने भी कहा है, मरियम ने भी एक दफा कहा था, फिर बच्ची ने भी कहा है, एंड देन आई थिंक इसकी अपनी भी रियलाइजेशन है कि भाई अब एंड द थिंग इज द ब्यूटी अबाउट द सीन इन व्हिच आई विश इट वाजंट द स्कूल, बट चलो स्कूल में आप, इट वाज अ नाइस मोमेंट जब when he says that, that I just want you to say yes so I can live with that. That I thought was probably much more of a wow than my जाने जहाँ। वहीं पर जाने जहाँ कहते थे। I know. I know. I wish he didn't. नहीं उसने भी रोक लिया, उसने कहा जब ये हानि करी तो मैं क्यों बताऊँ कि मैंने क्या नाम रखा है। Telling her that I actually fallen, मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। That scene, oh my God, that scene was so lovely. फिर अम्मा हमारी जो मेन नॉट दैट किश्वर, नहीं नहीं अपनी हमारी सवेरा नदीम, किश्वर किश्वर जो है उनका बेटा भी कहता है तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लिए किया, ये भी उसने बता दिया, वो भी चली गई, अम्मा भी मर गई, शी इज लिटरली लेफ्ट ऑन हर ओन। इवन छोटू रजा के साथ जो है वो भी, यू नो शी इज़ लॉस्ट हिम ऑल्सो, बिकॉज उसने सारी अपनी एफर्ट तब्रेज के लिए की, जो तब्रेज कहता है टू हेल्प विथ यू आई डोंट रियली केयर। सो वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि इसका वाइंड अप, स्पेशली किश्वर का क्या वाइंड अप होगा, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो। आई मुझे लगता नहीं कि किश्वर एकदम से अच्छी औरत बन जाएगी, लेकिन मैं सीरियसली देखना चाह रही हूँ कि उसका वाइंड अप क्या, बट ओवरऑल सिर्फ ऑप्शन तीन है मेरे पास, मर जाएगी, मरना, पागल हो जाना और ऐसे कैसे ही रह और एकदम से, नहीं, और एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाना, अच्छी हो जाना और अकेले रह जाना, और अकेले रह जाना। बट बिकॉज ये मुझे जरा सा आउट ऑफ मोस्ट स्क्रिप्ट, इट इज अ गुड स्क्रिप्ट, बट आई लव्ड इट। सो हेलो बेबी। अच्छा जी अब बात कर लीजिए राइटिंग की, रुबीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे, रिदा बिलाल। द राइटिंग इज वर्किंग वेल फॉर मी, सवाए ये, और ये मेरी अपनी एक वो है यू नो सोच कि जब शहराम ने कहा कि बस एक दफ़ा कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मैं इस यकीन के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगा, तो मुझे लगा कि शहराम थोड़ा सा इनसेंसिटिव हो रहा है, राइटर भी थोड़ी सी मार्जिन ज़्यादा ले रही है जस्ट टू से उसका कन्फेशन करवाने के लिए, बिकॉज इफ़ शी सेज दिस एंड देन गोज एंड मैरीज अनदर पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज शी गोइंग टू लिव। सो ये थोड़ा सा आयजा के सीन वीक लाइंस होनी चाहिए थी आयजा के पास, वो बिल्कुल बहुत वन साइडेड लग रहा था कि लाइक उसको ही मोहब्बत है, उसकी तरफ से बैक एंड फोर्थ होता। उसने तो यही कहा ना, देर हो गई, क्यों ये आदमी नहीं आगे आया और इसने नहीं कहा इसको कि प्लीज़ आई लव यू,
एंड आई नो यू लव मी. क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मैं इसको कहाँ लाऊंगा. मैं इसको इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में लाऊंगा जहाँ पे मेरी माँ मुझे जहर दे रही है, तो इसको तो प्रॉबली गैस का चूल्हा ही फट जाएगा. सो ये बातें कहीं इन वर्ड्स होनी चाहिए थी. हाँ, जो आखिरी सीन में है ना, और हो सकती थी, मतलब बहाना लाता कहीं और जाता, तो कहीं कोई गिला जो उसके दिल में होगा ना. हम अस्यूम कर रहे हैं, हम अगर सोचते हैं महानूर की तरफ से, तो हमें लगता है कि बहुत कुछ है उसके दिल में, बिकॉज शी इज़ लिविंग अ ज़ॉम्बी लाइफ, विच द सिस्टर इज ऑल्सो सेइंग, मेरी बहन दे दे मुझे वापस, बिकॉज वो तो वो है ही नहीं जैसी वो चुलबुली और फुल ऑफ लाइफ इंसान थी. सो जो ऐसा बन गया है उसके अंदर, तो एक आग है ना. वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा वो लव्स निकलने चाहिए थे. वो इससे यही कहती ना कि इतना वक्त लगा दिया. नहीं, ये तो कह दिया उसने. नहीं, उसने सिर्फ कहा अब देर हो गई, अब देर हो गई बस. नहीं, लेकिन वो वक्त भी नहीं, उसको भी पता था कि वो प्यार करता है. शिकवा तो करती वो. हाँ, शिकवा करती, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती. फिर दूसरी जगह आई जहाँ आर्किटेक्ट की अम्मी गई और उन्होंने कहा, तैमूर की अम्मी गई और उन्होंने कहा कि यू नो हमें पता है कि तुम और वो एक दूसरे के लिए हो और इसलिए हम बैक आउट कर रहे हैं. फाइन, बट आपके ये कहने से तो सब ठीक नहीं हो जाना था ना. कहानी तो शुरू हुई थी जब बाप ने कहा था कि नहीं हो सकती, तुम उस घर में कभी भी खुश नहीं रहोगी, तुम्हारी शादी इस आदमी के साथ नहीं हो सकती, इस बात को निकाल दो. और उस लड़की ने मान ली थी बाप की बात. तो इट हैड टू कम फ्रॉम द फादर्स साइड. बाप की तरफ से जब बात आई तो इतनी ही सताई. फिर अगेन जैसे तुम कह रहे हो ना कि मानूर का पॉइंट ऑफ व्यू मज़े का नहीं था, बाप का पॉइंट ऑफ व्यू मज़े का नहीं आया. मोहब्बत में हर बात नहीं कही जाती. आप या तो मोहब्बत में रहते हैं, मोहब्बत में हर बात नहीं कही जाती. मोहब्बत करते हैं. हाँ, मोहब्बत में हर बात नहीं कही जाती होगी. ये कह रही हो आप, वी अंडरस्टैंड दैट. मगर राइटिंग में हमारे दिमागों में कन्फ्यूजन नहीं डालना. आपने हमारे हर सवाल का जवाब सही इंसान से सही जगह पे दिलवाना है. एक गिला जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है. इस जगह जैसे भी होता वो बनता था, एक जवाब सॉलिड बनता था मानूर का. इसी तरह बाप की तरफ से जो बात आई वो सॉलिड आती थी. आपने अपनी तरफ से स्टीयर कर दी सही डायरेक्शन में कि देखें घर तो आपको मैंने पहले ही चाबी दे दी है. आप समझे कि वो इसका घर है. एक सिक्योरिटी उसने दे दी कि आपको लगता था ना कि आपकी बेटी इनसिक्योर होगी इस रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ माई मदर. He didn't say it in so many words, but उसने clarity दी, लेकिन जरा strong आनी चाहिए थी, ऐसे आनी चाहिए थी कि वो लगती. Writing के number बता दे. I think the writing was good enough, but not the level that it should have been at, considering कि ये आखरी मेरा ख्याल है दो है, you know, just one or two more coming. I hope so. है ना? हाँ हाँ, क्योंकि apparently उसकी तरफ जा रही है. The जाने जहाँ का discredit हम director को देंगे. I think good job. Six. Good job. मुझे 10 आने वाले हैं यहाँ से. आज नादिया बिल्कुल ही मिसिंग है ना अभी तक. हाँ, नहीं, मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे ये जो छुपी हुई मोहब्बत थी ना, असल में मोहब्बत होती ही है. वो मोहब्बत जिसका भिंडोरा पीट दे, वो मोहब्बत कभी रहती ही नहीं. जो आपको मिल गया सूफियाना मोहब्बत है ना, इसे सूफियाना मोहब्बत कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ जब आप बात करते हैं कि यार उसने शिकवा क्यों नहीं किया, मैंने शिकवा कर दिया तो फिर मैंने क्या किया मोहब्बत. मोहब्बत तो का नाम ही यह है कि जब आप शिकवा नहीं करते और आप मोहब्बत. वो कहती है ना अगले सीन में जब आके, कहती बस आपने बहुत कह दिया. वहाँ डायलॉग्स होने चाहिए थे. जो मेरी राइटर से मुझे तकलीफ हुई कि आपने इतने पावरफुल डायलॉग दिए शहराम को. यही तो हम कह रहे हैं. नहीं नहीं, मैं उस सीन में नहीं मांग रही. मैं अगले सीन में जब वो लेकर आता है उसकी अमानत. अब ये सीन था आयजा का, जो कहती है अब आप बोल चुके, अब मैं बोलूँगी. हाँ, यहाँ वो शिकवा भी करती, यहाँ वो इजहार भी करती. यहाँ था ये आयजा का सीन, क्योंकि अब वो क्लियर है कि अब मेरी शादी वहाँ ख़त्म हो चुकी. अब मैं उस बोझ से निकल आई कि मेरे मैंने बाप को जो जबान दी. समझ रहे, जो आयजा के ऊपर मेंटली प्रेशर हमने दिखाया इस पूरे ड्रामे में, उससे वो निकले. यहाँ आयजा को अब दोबारा महानूर के कैरेक्टर में आके वो सारी चीज़ें बोलनी थी. यहाँ आयजा ने सिर्फ मोहब्बत का इजहार किया. आयजा के कुछ और डायलॉग्स होते, मुझे था कि यहाँ आयजा कुछ और बोलती. मैं तो फिर भी इश्क में हूँ ना, तो मेरे तरफ से 8 अभी भी. ओके, मरीना जी. सो आई लव द सीन वे शहराम
finally tells the braids that ये तो unconditional support शुरू से है ना कुछ भी हो जाए unconditional support है क्या चीज़ था नो वो लिखा वो लिखा इतना अच्छा है कि the way the conversation leads to that it's so good and even for the first time you see this guy shocked otherwise इसको कुछ phase नहीं करता लेकिन ये you know क्या है वो जब उसे कहता है ना बैठो नहीं मैं ठीक हूँ खड़ा हूँ यू नो लाइक उफ इट वाज जस्ट द होल थिंग द वे इट वाज कोरियोग्राफ्ड द वे इट वाज शॉट द वे द सीन मीनिंग जैसे कहते हैं फुल जस्टिस वाज डन टू दैट सीन आई रियली रियली एंड देन द अदर सीन जो तबरेज और माँ के बीच में था वो भी बहुत अच्छा था जिसमें वो फाइनली माँ को कहता है कि ये सब वो पराई नहीं है क्या हाँ वो नहीं है अच्छा माँ कहती है तुमने अपनी नानी का अफसोस भी नहीं किया हाँ बहुत अफसोस हुआ वेरी गुड वेरी वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स ऐसा पुरुषा तो मैंने कभी नहीं सुना हाँ देखा मैं वो कहता ना इतना फर्स्ट हो चुका है सो आई डोंट नीड टू ऐड टू दैट बट व्हेन ही अच्छा अगर तबरेज की लाइफ में से वो मर्डर निकाल दिया जाए ना बहुत अच्छा इंसान है अमेजिंग अमेजिंग पर्सन ही इज अ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स पर्सन बट यू लव हिम फॉर दैट रीजन लड़की को रिस्पेक्ट भी कर रहा है उसको मुझे जो राइटिंग में सबसे बड़ा वो लगा वाज द मदर सन फरिश्तापन मुझसे वो नहीं हजम हुआ खुद आना और फिर हग करना और वो खड़ा हुआ मीनिंग एक दफा भी एक दफा भी कहना है कि हमें ऐसे लोग भी दिखाने चाहिए नहीं 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 बिल्कुल लोग ऐसे करेंगे नहीं नहीं एक नहीं करेंगे होंगे लेकिन गुस्सा तो होगा ना कुछ तो हो लड़के में ठीक है और मानू ने एक दफा भी बच्चे को सॉरी नहीं कहा एक दफा भी नहीं आई थॉट इट वाज लाइक टू मच शुगर जरा सा ज्यादा शुगर द सीन दैट ऑफ कोर्स आई वाज वेटिंग फॉर डिडंट हैव एन इंपैक्ट The scene that had the impact was the Tabrez confessing his love to that girl. That scene had an impact. I mean, you can just, I mean, I think the beauty about the way apna Hamza is playing it and the way this kid is playing it is that isme ek rawness hai, whereas Hamza mein ek finesse hai. So I think maybe because of that. But that scene where he tells her, because you know now, because you're saying, achha, factory he's lost, Mark love he's lost, aur ab ye ladki he's also going to lose, you know. So, and he's falling in love with her, you know. That to me was a little. For me, the weakest scene was the police station. It was very badly written. There was no research done on that scene because वो लड़की है उसको आपको कैसे पता आपको तो सिर्फ एक एविडेंस में और एक तो एविडेंस क्यों उसने छुपाया हुआ है why is it still in his car was the first thing and then she's openly taking this man's name he has done it here what proof do you have no proof और फिर वो उठ के जब जाने लगी कहते हैं आपको हमें वो देना होगा जो आपको चीज़ मिली कहती नहीं मैं क्यों दूँ आपको आपने मेरी हेल्प नहीं की by law she has to give it to him Plus also the murder took place in Karachi. So I think jurisdiction Karachi ki hogi. I don't know. But that was very, very weak. And that was another scene. Yeah, another scene, right. Hai na? Right. And another scene that I was really looking forward to ki jab is ladki ko pata chalega. Meaning, mujhe, it was too contrived, but theek hai, okay. I still, I loved it. Anyway. And the all lost situation of the mom I loved. Wo jo bilkul, you know, kahan aur kahan jayega. So I will give it a 7. जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और एक मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,000 हुए हैं और राइटिंग में रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं 4,242% बनते हैं और जबरदस्त Oh, sorry, can I just say one thing? असलियत दिखाना जिंदगी भर के फरेब से कहीं बेहतर होता है आई थॉट दैट लाइन टू मी वाज रियली रियली डायरेक्शन की बात की जाए कासिम अली मुरीद मुझे बस वही गुलजेब के सीन्स में लगा डायरेक्टर को थोड़ा सा ज्यादा बदन कई दफा नहीं कर पाते डायरेक्टर्स वेरिएशन दिलवानी चाहिए थी सो एवरीथिंग वाज फाइन But I missed the magic that I was expecting. I hope it comes now. Ab aa jaye. Kyunki wo magic chahiye hai. Because Hamza is still performing really, really well. Oof. And situations hain. Magar wo magic jo director ko dalna hai, wo thoda missing hai. Still, I like the play.
It's a smooth sail, good viewing. 6 for the director also. 6. Sadia ji. मुझे डायरेक्टर की जो प्रॉब्लम्स मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था, ये मेजर सीन था कि यहाँ डायरेक्टर दिखना चाहिए था इस आर्टिस्ट के साथ, जहाँ आपको लगे कि मेरा आर्टिस्ट अगर कहीं वीक पड़ रहा है तो वहाँ डायरेक्टर अपनी एफर्ट डालता है कि हर आर्टिस्ट हो सकता है समटाइम आर्टिस्ट नहीं उस तरह पिक कर पा रहा उस सीन को, डायरेक्टर आपको पूरा सीन खोल के रख देता है, लेकिन यहाँ डायरेक्टर खुद कहीं और नज़र आया मुझे लगा कि अगर यहाँ थोड़ा सा कासिम इस पर काम कर लेता इस सीन के ऊपर पर्टिकुलर, क्योंकि वो इस सीन की अहमियत ही नहीं समझ पाया, क्योंकि उसने एक एक सीन की अहमियत हमें उससे पहले बताई है, और मतलब वो छोटे छोटे सीनों को बड़ा खूबसूरत बनाती है, हुआ था, लेकिन उसमें कुछ मतलब बहुत खूबसूरती से इसको खेला जा सकता था, बहुत जगह थी इसमें खेलने की, लेकिन ये इतना पावरफुल सीन डायरेक्टर नहीं मुझे दिखा, मुझे मैं बहुत दुख में आई। ये डायरेक्टर को भी चाहिए अपने आर्टिस्टों के लिए कभी कुछ ना एक्स्ट्रा एफर्ट करे, रिदा से लिखवा था वो ये सीन। 6 6 गुड जॉब भैया जी। फॉर श्योर आई थिंक जैसे दोनों ने कहा था कि ये एपिसोड गुलजेब का हो सकता था, आई थिंक गुलजेब की इनएक्सपीरियंस, शी इज़ आई थिंक अ फेयरली न्यू एक्टर, कि हाउ डू यू हाइड योर फीलिंग्स एंड गिव देम अवे एट द सेम टाइम एंड स्माइल एट समथिंग यू डोंट वॉन्ट टू स्माइल एट, बिकॉज अब तो इसके माइंड में ये कन्विंस्ड हो गई है ना कि कातिल ये है, ठीक है, तो अब तो एक वे से आपको अपने आप से घिन आनी चाहिए, नॉट द मैन हिमसेल्फ, वॉट हैव आई डन, तो वो फीलिंग नहीं आ रही थी, so that failed. I think the whole police station wala jo conversation for me failed, unfortunately my jaane jahan moment failed, but needless to say the play is beautifully shot, yes. Even the light bulb wala could have been done, meaning agar aapne itni detailing throughout ki hai usko bhi zara sa us pe aap thoda sa aur gaur karna chahiye tha, वो जो लड़का ठीक करता है रजा अब्दुल, उस अब्दुल ठीक करता है ना, ट्यूब लाइट्स ठीक करता है, हां वो सब और कर लें, वो बहुत ही वो जो था, सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर नॉट वर्किंग एंड देन देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर वर्किंग, सो इफ लेट्स से इफ यू डूइंग अ 50-50 दिस वन वुड बी 6.5 जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है, अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और एक मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू, क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और कासिम अली मुरीद के हिस्से में जाने जहां से आए हैं 4,794 तो जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की आयजा खान। आयजा इज डूइंग फाइन बट आई वांटेड टू सी हर डू मोर देन फाइन, कहीं खुद ही से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई इधर उधर से कोई एक्सप्रेशन पकड़ के सीधे को थोड़ा टेढ़ा कर देती और या उसको ज़रा सा ज़्यादा मीनिंगफुल बना देती किसी भी जगह को, सो गलत तो वो बिल्कुल नहीं है कहीं भी नहीं है, बट वाओ नहीं मिला, आई थिंक अ 6 गुड जॉब सादिया। इस एपिसोड में मुझे तो लगता है आयजा के साथ जाती हुई है यहाँ आयजा को बोलना भी चाहिए था, कभी कभी जो मैं पहले दिन से बोलती आई हूँ कि अब आप लोग माशाल्लाह इतने बड़ी जगह पे आके खड़े हो गए कि बाबा अपने पे ड्रामे चलते हाँ हैं, अपने डायरेक्टर से अपने राइटर से बात कर सकते हो कि यार ये सीन मुझे लिख के दो, इस एपिसोड में आयजा का भी होना चाहिए था जैसा पावरफुल सीन शहराम का था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं अपने लिए बोलना चाहिए, बट ओवरऑल जब मैं आयजा को देखती हूँ तो मुझे इतना प्यार आता है क्योंकि वो उस कैरेक्टर के अंदर ढली हुई है, और जब आर्टिस्ट ढल जाता है फिर मेरा ख्याल है कि उसकी बहुत सारी चीज़ें ना आप इसलिए भी यूं कर देते हैं कि यार, और इससे बिल्कुल पहले मैं जैसा ड्रामा किया है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट था इसके, और आपके ज़हन में भी शायबा भी नहीं आता कि ये वो आयजा है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट आयजा मेरे लिए आज भी तुम 9 हो,
10 नहीं दे पा रही लेकिन 9 बिकॉज आई लव हर, बहुत प्यारा काम करती है. आई थिंक सादिया इज़ राइट, आइज़ा शुड हैव फॉट फॉर दैट लास्ट सीन. अगेन आई डोंट नो वो कैसे देख रही थी, लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे थे, वो जब येलो कपड़ों में आई है, एक तो शरारे या जो भी है, गाउन फॉर मी इज ऑलवेज अ नो नो कट. आई हैड अ प्रॉब्लम विथ हर वेयरिंग द सिमिलर थिंग इन द मेला. यू नो मेले में आप कैसे हैंडल करोगे झूमर टिक्का, यू नो ये सारा. सो ठीक है, आई फाइन, दैट्स जस्ट मी, आई माइट बी. उस सीन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जब क्या कहते हैं उसकी तैमूर की माँ के उसको बताती है, यू कुड फील कि उसको एक रिलीफ मिली है कि वो एक कैद में थी और वो अब वो जो टेंशन है वो उसके माइंड पे नहीं है. ओवरऑल आई थिंक थ्रू आउट उसका वही परफॉर्मेंस थी जो यू नो बाकी एपिसोड्स में दे रही थी. एंड देन ऑफकोर्स द लास्ट सीन वॉज वे यू नो यू सॉ द ओल्ड आइज़ा कम बैक. So I'll give her a 7. I think she's seven. Done very a good job. Very good. Aapke vote se number 1 ban sakta hai aapka favorite star. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी. अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के यूट्यूब चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. ऑडियंस की बात की जाए फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए 10,500 हुए और आयजा खान के हिस्से में आए हैं 4,305. अब बात कर ली जाए शहराम की, यानी कि हमजा अली अब्बासी की. रुबीना जी, लड़के तो इस ड्रामे में, और ये दो लड़के हाय 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 टिक मार्क बेहतरीन थे. बेहतरीन लड़कियों को कहीं पास भी नहीं आने दिया इन्होंने. सो और शहराम ने अपने सारे मोमेंट्स बहुत खूबसूरती से अदा किए. जाने जहाँ का अगर इम्पैक्ट नहीं आया तो वहाँ डायरेक्शन में उनको जो जगह लेनी चाहिए थी वो खैर होती तो एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि स्ट्रेच करो बनाओ पहली नज़र कर देखना एक दूसरे को इस नज़र से आंख उठा के इतने दिन बाद देख रहे हैं वो मोमेंट स्ट्रेच होना चाहिए था. फिर एक एक जुमला आके हिट करना चाहिए था व्यूअर को एज इफ यू नो जैसे हम चाहते थे वो थे. नहीं हुआ. सो मुर्शिद में भी यही हुआ था कि जब वो उसे कहता है जब वो वाला इम्पैक्ट नहीं आया था कि वहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए थी. इतना तुम आप दिखा रहे इतना क्रेजी इश्क है और जब आपको पता चलता है कि वो भी आपको पसंद करती है तो वो जरा बैंग होना चाहिए था. वैसी नहीं आई बट स्टिल हमजा हैज डन हिज जॉब रियली रियली वेल. आई थिंक एन 8 फॉर हिम फॉर श्योर. 8 10 चलो 10 और हमजा महीना जी आई थिंक हमजा के बारे में जितनी तारीफें करनी थी हमने कर ली हैं. ही नोज ही इज डन वेरी वेल. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज नेक्स्ट प्ले एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द काइंड ऑफ कैरेक्टर ही इज गोइंग टू प्ले इन दैट. अगेन इफ आई हैव एनी इशू इज फ्रॉम फॉर द लास्ट सीन I wish the director had thought about it. I wish all of them had sat and thought about it. Yeah. I think वहाँ तैमूर का होना was the kebab में हड्डी. वो impact नहीं हुआ. I mean the moment he sees her coming, I think he should have gone. You know, I don't know. But that again, like I said, that's me. But you did a great job, guy. I got Girian Nan. Yeah, bad, bad, bad. आपके वोट से number one बन सकता है आपका favorite star. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी
अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के यूट्यूब चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,900 हुए और जाने जहां से हमजा ये बासी के हिस्से में आए 5,046% बनते हैं 4.6 मिलियन को। Tabriz, you also get a 9. Yes. So, ये complete हुआ आज का review.